हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे आपके ईवीएस के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो है स्नेक्स चार्मर स्टोरी। तो इस वीडियो में जो जो हम सीखने वाले हैं वो है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो वो बोल रहे हैं, आई एम आर्यनाथ, आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू, डू यू नो व्हाट, आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। तो कोई एक आदमी है आर्यनाथ, वो बोल रहा है कि मैं कुछ ऐसे काम कर सकता हूँ कि जो कि आप में से कोई भी नहीं कर सकता। तो अब वो ऐसे क्या करने वाले हैं? तो वो बोल रहे हैं कि यस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे पास एक बीन है जिसे मैं बजा सकता हूँ, और उससे मैं क्या कर सकता हूँ, जो सांप है सांपों को क्या कर सकता हूँ, नचा सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, दी पीपल आर नोन एज कलबेलिया। तो वो बोल रहे हैं कि ये आर्ट जो है हमने, मतलब जो स्नेक्स हैं, स्नेक्स को जो नचाने की जो कला है वो हमने कहाँ से सीखी है? हमने अपने फैमिली मेंबर से सीखी है, मतलब जो हमारे घर में और लोग हैं। और जो हम लोग हैं, हम लोगों को क्या बोला जाता है? कलबेलिया। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग अवर पीपल, ही कुड इजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स, ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो जो आपके आर्यनाथ हैं, आर्यनाथ के जो दादाजी थे उनका नाम है रोशन नाथ जी, तो वो क्या कर लेते थे, बहुत जो जहरीले सांप भी होते थे उनको भी पकड़ लेते थे। तब उनकी एक स्टोरी है, देख लेते हैं वो स्टोरी क्या है। तो वो बोल रहे हैं कि फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर, जब मतलब मेरे दादाजी थे और उनके भी जो दादाजी थे, तो हम लोग क्या है, हमेशा से क्या थे, सपेरे थे। और जिनको जो जिसके बारे में हमारी ये स्टोरी है, स्नेक चार्मर, तो हम स्नेक चार्मर्स को क्या बोलते हैं, सपेरे। तो स्नेक्स जो होते हैं हमारी जीवन में क्या है, हमेशा से हमारे पार्ट्स रहे हैं। क्योंकि देखो, आपने देखे होंगे सब सांप जंगल में घूमते रहते हैं, रोडों पे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं ये सारे। वी यूज टू मूव फ्रॉम ब्लेज टू ब्लेज कैरिंग अवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स। अब जो सपेरे होते हैं, सपेरों का काम क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो जो उनके पास एक टोकरी होती है, उस टोकरे में सांपों को रखे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, और लोगों को क्या दिखाते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं। वेन एवर वी स्टॉप इन अ विलेज, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, वी वुड देन टेक आउट अवर स्नेक्स फ्रॉम अवर बास्केट्स। अब वो बोल रहे हैं कि जब वो एक विलेज में कहीं पर रुक जाते हैं, गांव में कहीं पर रुक जाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और उसके बाद वो उन स्नेक्स से कर्तव्य दिखाते हैं हर एक शो के बाद। वो बोल रहे हैं इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। वो बोलते हैं कि जब शो खत्म हो जाता है, उसके बाद भी लोग हमको क्या करते हैं, घेर के रखते हैं। एक्चुअली वो देखना क्या चाहते हैं कि उनके पास जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स में क्या होती है, कुछ मेडिसिन उन्होंने रखी होती है, जो उनको तो प्लांट से कलेक्ट करते हैं। एक्चुअली उन जो मेडिसिन होती है उनके बॉक्स में, उससे क्या होता है कि जब किसी को सांप काट लेता है, तो वो उस मेडिसिन निकालते हैं अपने बॉक्स से और लोगों को देते हैं, जिससे कि सांप का जो जहर होता है, वो जहर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब वो दवाइयां देते हैं, तो उन दवाइयों के बदले उनको क्या मिलता है, देखो मनी मिलती है, पैसे मिलते हैं, फूड ग्रेन्स मिलते हैं, अनाज मिलता है, ठीक है। सम टाइम्स आई वाज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन लिटिल बाय बीन बिटन बाय अ स्नेक। अब वो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसी जगहों पर बुला लिया जाता है जहां पर कि स्नेक ने किसी को काट लिया होता है। फ्रॉम द मार्क ऑफ द बाइट आई ट्राइड फाइंड आउट विच स्नेक हैज बीटन द पर्सन। अब देखिए, जो सपेरे होते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो जहां पर सांप ने काटा हुआ होता है, उस काटे हुए को देख के ही बता सकते हैं कि किस टाइप के सांप ने उसको काटा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वो उनको क्या देते हैं, दवाइयां देते हैं। एज यू नो, सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। अब देखिए, हमारे देश में जो बहुत सारे जो स्नेक्स हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस हैं, तो मतलब वो जहरीले नहीं होते। ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि उनको देख के क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक आई वुड कैच दैट स्नेक। अब वो क्या कर रहे हैं कि कभी कभी वो बोल रहे हैं कि जो किसान होते हैं वो दौड़ते चले जाते हैं, भाई देखो सांप आ गया, सांप आ गया, और तो मैं क्या करता हूँ, उन सांपों को पकड़ लेता हूँ। और वो बोल रहे हैं कि ऐसा मैं कब से कर रहा हूँ, मैं बचपन से कर रहा हूँ, फ्रॉम माई चाइल्ड हुड आई एम डूइंग दिस। ओह, दोज वर द गुड डेज, वी कुड हेल्प लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, वी ऑल्सो एंटरटेन देम, आई वॉज नॉट लाइकली टूडे when everyone watches TV or entertainment, ठीक है। तो when I grew older, my father taught me how to remove these poisonous teeth। अब वो बोलते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, तो मेरे पिताजी ने मुझको क्या सिखाया कि वो जो सांप है, सांप के मुंह में जो कुछ जो टीथ होते हैं जिसमें कि जहर भरा हुआ होता है, तो उनको कैसे निकाला जाता है, उसके पापा ने क्या किया है, उसको ये भी सिखाया हुआ है। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth। अब वो बोल रहे हैं कि जो वो पॉइजन होता है, पॉइजन की ट्यूब होती है, ग्लैंड होती है पूरी, तो उस ग्लैंड को कैसे दबाना है, वो भी मेरे पिताजी ने मुझको क्या किया हुआ है, सिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन एनिमल प्लेइंग अ बीन वे। अब वो बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी बीन देखी है, मतलब जिससे सांपों को पकड़ते हैं, जिससे सपेरे बजाते हैं, तो आपने कहाँ देखा है।
अगर आपने देखा है तो ठीक है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में इसके सारे आंसर हैं, इसलिए इसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आप देख सकते हो वहां से। हैव यू एवर बीन सीन अ स्नेक वेयर, कभी आपने सांप देखा है तो कहां देखा है वो लिखना है। व्हाट यू स्कैर्ड बाई, क्या आप उससे डरे हो तो क्यों डरे हो। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, क्या आपको लगता है कि सारे जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो हमने आपको जैसे पहले ही बताया कि इंडिया में बहुत ही कम ऐसे सांप हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, मतलब जो जहरीले हैं। ज्यादातर जो सांप होते हैं हमारे देश में वो जहरीले नहीं है। इन चैप्टर वन यू रीड दैट स्नेक्स डोंट हैव ईयर्स विच यू कैन सी, कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, व्हाट डू यू थिंक। अब देखो जो पहला चैप्टर था हमारा सेंसेज वाला, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो सांप होता है उसके कान तो होते ही नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे मूव करता होगा बीन के बजने पे। तो एक्चुअली जो बीन होता है, बीन जब मूव करती रहती है तो उस मूवमेंट के हिसाब से ही वो क्या करता है, मूवमेंट के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, अपने सिर को मूव करता है। ओके अब देखो आगे देखते हैं, व्हाट कैन बी डू। आर यू नॉट, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वाज यंग चाइल्ड, ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। अब वो बोल रहे हैं आर्यनाथ, जो तुम्हारे पिताजी थे वो क्या करते थे, मेरे साथ बचपन से ही क्या करते रहते थे, घूमते रहते थे जब वो बहुत छोटे थे, और उन्होंने जो बीन है वो कैसे सीख ली थी, सिर्फ मतलब उनको बताना भी नहीं पड़ा कि कैसे बजानी है, उन्होंने देख देख के क्या कर ली, बीन बजाने सीख लिया। दिस डे इट इज डिफिकल्ट, नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। अब देखो आजकल क्या हो गया, सरकार ने कुछ नियम बना दिए हैं जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, जो जानवर हैं उनको पकड़ नहीं सकते। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइसेस, बहुत सारे लोग क्या होते हैं एनिमल्स को मार देते हैं और उसके बाद जो उनकी स्किन होती है, जो खाल होती है, उनको ज्यादा रेट पे क्या कर देते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। ओके सो दे मेड लॉ अगेंस्ट दिस, नाउ व्हाट इज दिस लॉ, हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड, वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन, पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस, इवन इफ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग द स्नेक्स। लेकिन जो बेचारे सपेरे हैं, सपेरों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन सपेरों के नाम पे क्या हुआ, बहुत सारे जो इलीगल ट्रेडर्स हैं उन लोगों ने क्या किया, सांपों को मारा और बेच दिया। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा कि जो सपेरा था, इन लोगों का बिजनेस क्या हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्योंकि एक्चुअली ये जो काम था जो बेचने का और स्नेक्स को मारने का, वो सपेरों ने नहीं किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है बेचारों को, उनको क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड नहीं कमा पा रहे। स्नेक्स आर अवर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। अब देखो क्या होता था कि उनके जमाने में क्या होता था, सपेरों के घरों में, उनके परिवारों में, कि जब उनकी लड़कियों की शादी होती थी तो वो गिफ्ट में क्या देते थे, अपनी लड़कियों को सांप दे देते थे कि सांप अपने साथ आप क्या करो, अपने ससुराल ले जाओ। इन अवर कलवेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। अब जो कलवेलिया जो ये प्रजाति है, कलवेलिया जाति के जो लोग हैं, इनके यहाँ जो डांसेज होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्नेक से मिलते जुलते होते हैं, जिसे हम नागिन डांस बोलते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योरसेल्फ, यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग बीन, यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो कला है बीन बजाने की, इसको खत्म नहीं होने देना है इस कला को, और आपको इसको नेक्स्ट जनरेशन को पहुंचाना है। Share your knowledge about snakes with children who live in towns and cities. Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. अब वो बोल रहे हैं कि आपको जो नॉलेज है आपको क्या करना चाहिए, लोगों को और समाज में, सोसाइटी में आपको जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि एक्चुअली जो सांप होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं, और आपको लोगों को उनको पहचाना भी सिखाना चाहिए कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा सांप आपका जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है। ओके टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, देयर वाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। आपको लोगों को ये बताना है कि अगर स्नेक्स ना हो तो जो चूहे होते हैं, चूहे क्या करते हैं, सारी फसलों को खा जाएंगे। तो जब स्नेक्स होते हैं तो स्नेक्स रैट्स को खा जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि स्नेक्स हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। नाउ यू टेल योर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब देखो, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। अब देखो, क्या आपने कभी ऐसे जानवरों को देखा है जिससे कि लोगों का मनोरंजन होता है, जैसे देखो आप सर्कस में जाते हो तो सर्कस में आपने बहुत सारे टाइप के जानवर देखो, जैसे मॉन्की आपने देखा है, बियर आपने देखा होगा, हाथी आपने देखा होगा, कैमल आपने देखा होगा, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं इनको, इनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। व्हेन एंड व्हेन डिड यू सी दिस, वो बोल रहे हैं कि आपने कब और कहाँ ये सारे देखे। तो अब जहां भी आपने देखने, हो सकता है आपने किसी जू में देखे हों, जंगल में देखे हों, मार्केट में देखे हों। ओके विच एनिमल्स शो डिड यू सी, और कोई आपने एनिमल शो देखा हो, जैसे आपने बंदर का नाच देखा हो कहीं पे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। हाउ डिड पीपल बिहेव विद एनिमल्स इन द शो। अब वो बोल रहे हैं कि जब शो होता रहता है, या मतलब जैसे आपने कोई बंदर का शो देखा, तो वहां पर एनिमल्स के साथ, मतलब उस बंदर के साथ लोगों का कैसा व्यवहार रहता है, वो आपको लिखना है।
वज एनिमल टीजिंग द एनिमल्स, क्या कोई एनिमल्स को वहां पर परेशान करता है, वट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल्स, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं कि भाई क्या इस जानवर के साथ अच्छा हो रहा है, क्या उसको छोड़ दिया जाना चाहिए था, क्या उसके साथ ये काम होना चाहिए या उसको ये करना चाहिए, क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब देखो, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, देन हाउ यू वुड फील कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि यहाँ पर जो आपको ये लॉयन दिखाई दे रहा है, इस लॉयन की जगह आप बैठे हो, ठीक है। तो अब जब आप इस केज के अंदर बैठे हो, इस पिंजरे के अंदर बैठे हो, तो आई एम अफ्रेड, तो वो बोल रहे हैं मतलब आप बताओगे कि आई एम अफ्रेड, मतलब मैं डरा हुआ हूँ, मैं कब डरूंगा, जैसे आप इस केज के अंदर बैठे हो तो आप कब डरोगे, वो आपको सिचुएशन यहाँ पे लिखनी है। आई विथ आई, वो बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं क्या कर लूँ। अब देखो क्या चाहेगा वो आदमी, वो तो यही चाहेगा, ये लॉयन तो यही चाहेगा कि मैं बाहर निकल जाऊँ। आई एम सैड, वो बोल रहा है कि मैं दुखी कब होता हूँ, अब कब दुखी होगा वो सिचुएशन आपको यहाँ पे लिखनी है। इफ आई हैड अ चांस आई वुड, वो बोल रहा है कि अगर मुझको एक चांस मिल जाए तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, ऐसा आप लिख सकते हो। आई डोंट लाइक इट ऑल व्हेन, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो ये सारी सिचुएशन है, सिचुएशन आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, अब वो बोले सपेरों की तरह और कौन कौन से लोग होते हैं या और कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें कि उनकी जो लाइवलीहुड है वो एनिमल्स पे ही डिपेंड करती है। जैसे देखो जो दूध बेचते हैं लोग, जैसे जो अंडे बेचते हैं, तो उनकी लाइवलीहुड क्या है, अंडे वालों की मुर्गियों पे डिपेंड करती है, और जो दूध बेचते हैं उनकी काउस पे डिपेंड करती है, बफेलोस पे डिपेंड करती है। ओके, तो वैसे देखिए सर्वे भी है, ये सर्वे भी आप भर सकते हो, आप देखो प्रोजेक्ट कर सकते हो, एक नेम द एनिमल देखी कि आप अपने पड़ोस में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि उन्होंने कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो पाले हुए हैं, कितने उनके पास एनिमल्स हैं, ठीक है, क्या वो उन एनिमल्स को अलग अलग रखते हैं या एक साथ रखते हैं, तो ये सारा सर्वे आप कर सकते हो प्रोजेक्ट में। ओके, अब डू यू नो, अब देखिए, ये देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है। ऑफ द मेनी काइंड ऑफ द स्नेक्स फाउंड इन अवर कंट्री, ओनली फोर टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश में जितने भी जो स्नेक्स हैं उन स्नेक्स में सिर्फ चार ही टाइप की ऐसे वैरायटीज हैं जो कि क्या होती हैं, पॉइजनस होती हैं, जिनमें जो जहरीली होती हैं। देखिए कौन कौन से हैं, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। ये चार टाइप के जो सांप होते हैं, ये सांप क्या हैं, जहरीले हैं। स्नेक हैज टू हॉलो टीथ। अब देखो जो स्नेक है, स्नेक के मुंह में क्या होते हैं, जो टीथ है उसमें से दो हॉलो, दो खोखले, दो दांत होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, जहर भरा हुआ होता है। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू द फैंग्स, उनको फैंग्स बोलते हैं। अब देखो उन फैंग्स के थ्रू क्या होता है, जैसे ही वो काटता है आदमी को या किसी चीज को, तो वो जैसे उसका दांत चुभाता है तो उस दांत से क्या हो जाता है, जो पॉइजन हो जाता है आदमी की बॉडी में एंटर कर जाता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब देखो, अब जहर से बचने के लिए, मतलब सांप के जहर से बचने के लिए क्या है, दवाइयां भी बनी हुई हैं, तो वो दवाइयां हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहां पर अवेलेबल होती हैं, और वो स्नेक के पॉइजन से ही क्या होती है, मिला के बनाई जाती है। ठीक है, तो अब जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक में आप सारे क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। ओके,